मित्रों नमस्कार, महेंद्र द टेरेस गार्डन एक्सपर्ट चैनल से। दोस्तों आज हो गई है नवंबर की 21 तारीख और इस समय जो हमारे यहाँ टेम्परेचर चल रहा है वो न्यूनतम 10 डिग्री और अधिकतम 26 डिग्री, और ये सबसे अच्छा समय है जब हम मटर की बुआई कर सकते हैं अपने कंटेनर्स या गमलों में या घर पर आप मटर उगा सकते हैं। और मैंने दोस्तों ये 3 सप्ताह पहले कुछ मटर बोए थे और ये पौधे मेरे 6-6 इंच के हो गए हैं। अब जैसे ही ये 10-12 इंच के होंगे इनको किसी बांस के स्टिक की या कपच्ची की जरूरत इनको सपोर्ट के लिए पड़ेगी, और मैं जैसे ये बड़े होंगे इनको सपोर्ट दे दूँगा। मैं आज कुछ और मटर बोने जा रहा हूँ। मैंने ये ले लिए मटर के बीज, आप देख सकते हैं, वो इसको रात मैंने भिगो दिया था, लगभग 10 घंटे हो गए भीगे और ये काफ़ी फूल भी गए हैं। इससे ही क्या होगा कि हमारे बीज का जमाव जल्दी हो जाएगा, जो 7-8 दिन में जमती है 5 दिन में ही जम जाएगी। और दोस्तों ये मैंने कुछ ले लिए हैं गमले, ये मेरे पास 12-12 इंच के गमले हैं। कुछ मैंने एक टीन के कनस्तर ले लिए हैं, ये 15 इंच की ऊंचाई के हैं लगभग, आप देख सकते हैं, और गमलों की ऊँचाई 12 इंच, और ये सफिशेंट है मटर के 2-3 पौधे उगाने के लिए। और जहाँ तक सॉइल की बात है तो मैंने ले ली है ये 60% गार्डन सॉइल, और इसमें मैंने मिक्स कर ली है गोबर की खाद करीब 40%, और बढ़िया भुरभुरी मिट्टी मेरी बन गई है, आप देख सकते हैं वो शानदार मिट्टी मेरी बन गई है। कोई इसमें अवांछित चीज़ अगर है तो आप निकाल दें, कोई प्लास्टिक है कोई और इस चीज़ का टुकड़ा है, और इसको काफ़ी बारीक करके इस तरह से आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिट्टी मेरी बनी हुई है। तो इसी में दोस्तों हम बोएंगे मटर, ये आप देख सकते हैं मैंने बीज ले लिया तैयार, बीज है ये देसी मटर का बीज है दोस्तों। इसी के मैं एक गमले में 3 या 4 बीज बोऊंगा, यदि मेरे 2 पौधे भी सर्वाइव कर जाते हैं तो मेरे लिए काफ़ी हैं। तो दोस्तों जब भी आप मटर बोएं तो लगभग 5-7 पॉट में आप बोएं ताकि आपके एक छोटी फैमिली का गुजारा आराम से हो जाए। तो मैंने दोस्तों 5 पॉट ये आज ले लिए हैं, 2 कनस्तर हैं, 3 मेरे पास गमले हैं, और कुछ मेरे पास ये पहले भी जम गई जो मैंने 3 सप्ताह पहले बोई थी। तो जहाँ तक इसके सॉइल की बात हो ही गई, इसमें आप बढ़िया कोई सी भी खाद आपके पास बर्मी कंपोस्ट हो या आपके पास गोबर की सड़ी खाद हो या आपने किचन वेस्ट से तैयार कोई खाद तैयार कर रखी उसी को मिला लें, और थोड़ा सा इसमें फंगस आदि ना लगे उसमें आप नीम खली मिला लें, या थोड़ी सी अगर नीम खली भी ना हो तो घर पर चूल्हे की राख आप पर होगी उसको आप मिक्स कर लें। मैंने ये सब मिश्रण तैयार कर रखा है। तो मैंने दोस्तों इसी में मैं ये मटर के बीज बोऊँगा, आप देख सकते हैं किस तरह बोऊँ, ये मैं एक एक बीज लेता रहूँगा, और इसको दोस्तों मैं करीब 1/2 इंच की गहराई में दाबूँगा इतना, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं दाब रहा हूँ, और 6-6 इंच की दूरी पर दाबूँगा। तो मेरा एक पौध ये हो गया, दो, तीन, चार। अब मेरे इसमें से आगे 2 बीज भी जमाते हैं तो मेरे लिए काफ़ी है एक गमले में। इसी तरह से दोस्तों मैं दूसरे गमलों में 1/2 इंच की गहराई और 6-6 इंच के आसपास 5 या 6 इंच की दूरी पर और ये मेरे पास लोहे के कनस्तर हैं, इसकी काफ़ी गहराई है 15 इंच से ज़्यादा है, और ये सफिशेंट है मटर उगाने के लिए। आप भी इस तरह के पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह की बड़ी कुंडी आपके पास हो उसमें आप लगा सकते हैं, या आपके पास ग्रो बैग हो। मैं एक बीज में ज़्यादा लगा दूंगा तो काफ़ी बड़ा पौ कनस्तर है।
दोस्तों जब ये आपके पौधे बड़े हो जाएं लगभग एक एक फिट के, उस समय आप इसमें थोड़ा फीडिंग किसी भी खाद की कर दें आप, वर्मी कंपोस्ट आदि की। और जहाँ तक इसके हार्वेस्टिंग की बात है तो लगभग 60 से 70 दिन बाद हम इसको, हमारे इसमें मटर आ जाएगी और अब हाँ इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। शूटिंग तो इस पर शुरू हो जाएगी दोस्तों लगभग 45 से 50 दिन में ही, लेकिन ये है फली को पकने में लगभग 60 से 70 दिन लग जाएंगे, उस समय इसको आप हार्वेस्ट कर लें और बीच में जब ये पौधा बड़ा हो जाए तो इस तरह से आप खपच्ची की सपोर्ट दे दें। और दोस्तों इसको पानी बहुत अधिक ना दें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, यदि मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जहाँ तक अब इसमें करूँगा मैं पानी का हल्का हल्का स्प्रे, ताकि मिट्टी में या गमले में मॉइस्चर बना रहे, तो मॉइस्चर का हम विशेष ध्यान रखना, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं इसमें भी डालना है, नहीं तो उससे हमारा जो बीज गल जाएगा। लेकिन मॉइस्चर इतना बनाए रखना ताकि बीज को उगने में सुविधा हो। और जैसे ही दोस्तों ये हमारे पौधे हो जाएंगे 8 से 10 इंच के, तो थोड़ा बहुत हम इनको हल्की फीडिंग कर सकते हैं किसी कंपोस्ट की, और हल्की हल्की खुरपी से इसकी निराई कर देंगे, और कोई भी खाद जो भी आप पर उपलब्ध हो, वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की सड़ी खाद हो, वो इसमें हल्का हल्का भुरभुरा दें। और उसके बाद जैसी पौधा हमारा 12 इंच का हो तो हम 3 से 4 फुट ऊंची एक स्टिक इनकी सपोर्ट को लगा देंगे, और गमले के जैसे ये है तो उसको किसी धागे वागे से या सुतली की सहायता से इसको बांध देंगे, ताकि पौधे की बेल हमारी नीचे न गिरे। और दोस्तों लगभग 60 दिन में हमारा इसमें फ्रूटिंग ठीक ठाक होने लगेगी, और इस तरह की पतली पतली फलियां शुरू में आएंगी 60 दिन बाद, और उनको इस तरह पतली पतली फलियां आएंगी 60 दिन में, लेकिन उनको मैच्योर होने में 70 दिन लग जाएंगे। इस तरह की फली होने में लगभग 70 दिन लग जाएंगे, 70 दिन बाद हम इसमें हार्वेस्टिंग अपनी कर सकते हैं। तो जहाँ तक मटर के लिए मिट्टी का पीएच लेवल की बात है दोस्तों, तो इसके लिए हमें 6.5 से 7.5 का पीएच लेवल मिट्टी का बहुत अच्छा रहता है। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है तो ये जाड़ों का की फसल है, और टेम्परेचर इसके लिए बुवाई के समय 10 से 30 डिग्री का बहुत अच्छा टेम्परेचर रहता। आज का 26 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है ऊपर का, तो इसके लिए बुवाई का बड़ा सही समय इस समय। और जहाँ तक ये फुल डे सूरज में रहने वाला पौधा है तो पूरे दिन की धूप इसको चाहिए, और पानी जोत के हिसाब से दें, बहुत अधिक पानी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। जहाँ तक इस पर कीट पतंगों की बात है तो इस पर एक सुंडी और गिडार जैसी चीज़ें लग जाती हैं, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं। और मटर आप घर पर एक फुल ऑर्गेनिक सब्जी है, कोई भी कीटनाशक इसमें वैसा ना डालें, ऑर्गेनिक ही कीटनाशक डालें जैसे नीम ऑयल है। और दोस्तों इसे हर 3 से 4 सप्ताह बाद किसी भी कंपोस्ट से फीडिंग इसकी करते रहें, और 70 दिन बाद इसमें फल मैच्योर हो जाएंगे, आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।